हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन्स के बारे में। और जब हम कोरोना वैक्सीन्स के बारे में सुनते हैं तो चार बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, जो कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुटनिक वी और पी फाइजर वैक्सीन। तो आज हम बात करेंगे इन चारों वैक्सीन के बीच में क्या अंतर हैं, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, कौन सी वैक्सीन के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन वैक्सीन्स को लगवाने पर, क्या कीमत है इनकी, किसको लगवानी चाहिए, किसको नहीं लगवानी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इस समय भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में भी कोविशील्ड ही है। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने पार्टनरशिप करके एस्ट्राजेनेका के साथ, और भारत में जो इसका प्रोडक्शन है वो कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, जिसके कि सीईओ आधार पूनावाला है। और कोविशील्ड जो है वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। और कोविशील्ड की जो कीमत है वो 300 रुपये है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी 300 रुपये में स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। पर भारत की बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हम अपने सिटीजन्स को, लोगों को फ्री में ही वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। और आइए बात करते हैं कि ये वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है, या फिर बात करेंगे ये कोविशील्ड वैक्सीन काम कैसे करता है। तो जब कभी आप कोरोना वायरस को देखेंगे तो कोरोना वायरस की बॉडी के ऊपर जो है ये कई तरह के ये स्पाइक्स होते हैं, काफ़ी सारे स्पाइक्स होते हैं। और ये जो स्पाइक्स होते हैं यही हमारी बॉडी की सेल्स के साथ मिलते हैं, सेल को पेनिट्रेट करते हैं और अपने अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी सेल्स के अंदर डालते हैं। और इस तरीके से हमारी सेल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ जाता है और हमारी सेल इन्फेक्टेड हो जाती है और वो खुद से फिर वायरस को प्रोडक्शन करना चालू कर देती है, और इस तरीके से ये वायरस हमारी बॉडी में फैलता है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वैक्सीन बनाने में वो ये है कि हम अपनी बॉडी की सेल्स को कोरोना वायरस के साथ मिलने ही ना दें। और कोरोना वायरस जो हमारी बॉडी की सेल्स के साथ मिलता है वो मिलता है अपने स्पाइक्स की वजह से। तो हमारा जो वैक्सीन बनाने के पीछे मोटिव है किसी न किसी तरीके से इस स्पाइक को ख़त्म करना, क्योंकि अगर ये स्पाइक ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ये कोरोना जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और फिर हमारी सेल्स में ये अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं दे पाएगा और हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और अब वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वीक वायरस को लेते हैं और उस वीक वायरस के अंदर हम कुछ ऐसे जेनेटिक बदलाव कर देते हैं कि वो जो है उस प्रोटीन को बनाए जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाता है कोरोना वायरस के केस में। और उस कमज़ोर वायरस को हम अपनी बॉडी में भेजते हैं, जब वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी की सेल्स के साथ मिलता है, हमारी बॉडी की सेल्स में अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है, और जब हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल आ जाता है तब हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो स्पाइक्स बनाने लग जाती हैं जो कि कोरोना वायरस के अंदर होते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी वो स्पाइक्स बनाने लग जाती है, हमारी बॉडी की सेल्स में वो स्पाइक बनने लग जाते हैं, तब हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता लगता है कि ये जो स्पाइक्स हैं ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन स्पाइक्स को मारने की कोशिश करता है, वो तरह तरह के केमिकल्स का कम्बिनेशन बनाता है और ट्राई करता है कि किससे वो मर जाएगा। और जब उसको सही कम्बिनेशन मिल जाता है तब उस कॉम्बिनेशन से उन स्पाइक्स को मार देता है। और अगर अब एक बार हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये पता लग गया कि इस केमिकल से ये जो स्पाइक्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो जब वाकई में हमारे ऊपर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी को पहले से पता होगा कि इसके स्पाइक्स को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और वो एग्जैक्टली सेम तरह का केमिकल अपने अंदर से निकालेगा और उन स्पाइक्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा और वो कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से ये वायरल वेक्टर वैक्सीन काम करती हैं। और जो वीक वायरस यहाँ पर कोविशील्ड में लिया गया है वो एक एडिनो वायरस है, जो कि कॉमन कोल्ड वायरस है चिंपैंजीज का, और उसकी मदद से ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जाती है। और आइए बात कर लेते हैं कोविशील्ड की एफिकेसी के बारे में, यानी कि कितनी हद तक ये वैक्सीन जो है कारगर है। तो बताया ये जा रहा है कि जो कोविशील्ड है इसकी जो एफिकेसी है वो 70% तक है, यानी कि 70% ये कारगर है हमारी बॉडी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। पर कुछ हाल ही में ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि अगर दोनों वैक्सीन की डोजेस के बीच में 2 से 3 महीने का अगर गैप रखा जाएगा तो इस वैक्सीन की जो काम करने की क्षमता है वो 90% से 95% तक बढ़ाई जा सकती है। और शुरू में आपने सुना भी होगा कि बहुत से डॉक्टर्स को, बहुत से लोगों को जिन्हें वैक्सीन लगी थी उनको कोरोना हो गया है, और वो इसी कारण से हुआ था क्योंकि वो जो 2 डोजेज देनी होती हैं कोरोना की वो जल्दी जल्दी समय पर 28 दिन के या 21 दिन के
टाइम पीरियड के बाद उनको दे दी गई थी, इसलिए वो वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई जितनी वो इफेक्टिव हो सकती थी। अगर इस वैक्सीन को हम 2 से 3 महीने के गैप में लेते हैं तो ये वैक्सीन हमको 90 से 95% तक की एफिकेसी देती है, और एक बार दूसरी डोज लग जाने के बाद ये वैक्सीन हमें 6 महीने तक कोरोना वायरस से बचा सकती है। 6 महीने के बाद हमको फिर से एक और बूस्टर डोज लेनी होगी जो हमें आगे वायरस से बचाएगी। और आइए बात कर लेते हैं इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो कि कॉमन हैं, 10 में से 1 व्यक्ति को होते हैं, जो कि हैं जहां पर वैक्सीन लगी है वहां पर दर्द होना, वहां पर थोड़ा लाल हो जाना, या फिर टेम्परेचर का बॉडी का बढ़ जाना, बुखार लगना या सर्दी लगना। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, पर कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि अनकॉमन है, यानी कि 100 में से किसी 1 को होते हैं, जैसे कि चक्कर आना या फिर पेट में दर्द होना, भूख खत्म हो जाना। तो इस तरह के कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि थोड़े रेयर हैं। तो ये थी कोविशील्ड के बारे में पूरी जानकारी, और आइए अब हम बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। और कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन एक दूसरी ऐसी वैक्सीन है जो कि भारत में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, और एक ऐसी वैक्सीन है जो कि पूरी तरीके से भारत में बनाई गई है, क्योंकि कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका ने बनाई है, पर ये कोवैक्सीन जो है पूरी तरीके से भारत में बनी है। भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर। और इस वैक्सीन की जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है 600 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के लिए और 1200 रुपये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। और आइए बात करते हैं कि ये कोवैक्सीन काम कैसे करती है। तो कोवैक्सीन काम करती है इनएक्टिव वायरस टेक्निक के ऊपर, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो कोरोना का ही वायरस होता है उसको हम इनएक्टिव कर देते हैं किसी भी तरीके से, रेडिएशन से या फिर हीट से, और उसको इनएक्टिव करके हम बॉडी में डालते हैं। और जब वो इनएक्टिव वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो वो एक तरह से बाहर की चीज़ तो है पर हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी, और जैसे ही हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि हमारे अंदर कुछ बाहर की चीज़ आ गई है तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और क्योंकि जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में डाला गया है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको किसी न किसी तरीके से मारने का, किसी न किसी तरीके से उसके स्पाइक को खत्म करने का रास्ता निकाल लेता है। और फिर जब आने वाले समय में असली वायरस हम पर अटैक करता है तब हमारी बॉडी को पहले से पता होता है कि क्या केमिकल प्रोड्यूस करना है जिससे कि कोरोना वायरस को मारा जा सकता है, और इस तरीके से ये कोवैक्सीन काम करती है। और आइए बात कर लेते हैं कि कितनी कारगर है ये कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन जो है लगभग 81% तक कारगर रहेगी। और ये कोवैक्सीन की जो खासियत है वो ये है कि ये जो है यूके का जो दूसरा स्ट्रेन आया है उसके ऊपर भी इफेक्टिव है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो कोविशील्ड है वो भी हमें यूके के स्ट्रेन से बचा सकती है। और एक बार कोवैक्सीन लगवाने के बाद, दूसरी डोज लगवाने के बाद हमें 9 से 12 महीने तक कोवैक्सीन जो है कोरोना वायरस से बचा सकती है। और इसके भी जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो यही हैं कि थोड़ा बहुत सरदर्द होना, थोड़ा बहुत इंजेक्शन जहां पर लगाए वहां पर लाल हो जाना या फिर खुजली होना, रैशेज पड़ना, थोड़ा हल्का बुखार होना या फिर चिड़चिड़ाहट होना। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि इस वैक्सीन के हमारी बॉडी में लगने से आते हैं। तो ये थी कोवैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल्स, यानी कि हमारे भारत में इस समय पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन यही 2 वैक्सीन हैं जो कि मोस्टली प्रोड्यूस की जा रही हैं और ज़्यादातर लोगों को लगाई भी जा रही हैं। पर आइए बात करते हैं 2 और वैक्सीन के बारे में, एक है स्पुटनिक वी और एक है पीफाइजर वैक्सीन। और स्पुटनिक वी जो वैक्सीन है ये कुछ आने वाले समय में भारत में आएगी। डॉक्टर रेड्डी की कंपनी और भी बहुत सारी 5 कंपनियां इंडिया में उसको लेकर के आने की बात कर रही हैं, पर जो पी फाइजर वैक्सीन है उसका भारत में आना काफी मुश्किल रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं स्पुटनिक वी के बारे में। तो स्पुटनिक वी जो है एक रशियन वैक्सीन है जिसको बनाया है गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने, जो कि मॉस्को में है। और भारत में आने के बाद स्पुटनिक वी की क्या कीमत रहेगी ये तो अभी क्लियर नहीं है, पर बाहर देशों में इसको $10 में बेचा जा रहा है जो कि लगभग भारतीय करेंसी में 750 रुपए बनते हैं। और आइए बात करते हैं कि कितनी कारगर है ये स्पुतनिक वी वैक्सीन। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है 91.6% तक कारगर है, और बताया ये जा रहा है कि जो यूके का स्ट्रेन है, जो अलग एक स्ट्रेन है, सबसे ज्यादा कारगर वैक्सीन जो है उसके अगेंस्ट स्पुतनिक वी ही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो स्पुतनिक वी की अगर केवल एक डोज ही हम ले लें तो वो एक सिंगल डोज भी 71% तक हमारे लिए इफेक्टिव रहेगी, और अगर दोनों डोज ले लेते हैं तो वो हमारे लिए 91.6% तक इफेक्टिव रहेगी। और वैक्सीन की दोनों डोजेस के बीच में 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक का गैप रह सकता है।
और स्पुटनिक वी का जो काम करने का तरीका है वो सेम है कोविशील्ड वैक्सीन के जैसा, बट जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि कोविशील्ड में जो वेक्टर लिया गया है वो एडिनो वायरस है जो कि चिंपैंजीज को इफेक्ट करता है, और यहाँ पर जो वेक्टर लिया गया है वो एडिनो वायरस है जो कि ह्यूमंस को, इंसानों को इफेक्ट करता है। और आइए अब हम बात करते हैं अपनी आज की आखिरी वैक्सीन के बारे में, जिसका नाम है पीफाइजर वैक्सीन। और पीफाइजर वैक्सीन को बनाया है एक जर्मन कंपनी ने जिसका नाम है BioNTech। और पीफाइजर वैक्सीन जो है एक महंगी वैक्सीन है, और पीफाइजर वैक्सीन की जो कीमत है वो है $19.50 पर डोज की, और इसके लिए आपको दो डोज लगेंगी, तो यानी कि दोनों डोजों की कीमत आएगी आपको $39। और आइए अब हम बात करते हैं कि ये पीफाइजर वैक्सीन कैसे काम करती है। तो इस वैक्सीन का जो काम करने का तरीका है वो बाकी सभी वैक्सीन से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कोरोना वायरस के अंदर से उसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और उसको एनवेलप करके किसी ना किसी चीज में ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देते हैं। और वो जब आरएनए हमारी बॉडी के अंदर आता है तब वो आरएनए प्रोड्यूस करवाता है वो स्पाइक प्रोटीन, जो कि स्पाइक कोरोना वायरस हमारी सेल्स के साथ मिलने के लिए यूज करता है। और जब वो स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है तो हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये कोई बाहर का मटेरियल है, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने की कोशिश करता है। और क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मॉडिफाइड होता है, जो कि सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, इसलिए वो पूरा कोरोना वायरस हमारी बॉडी में नहीं बनाता पर वो केवल स्पाइक बनाता है, और स्पाइक को हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर जब बाद में कभी कोरोना वायरस हम पर अटैक करेगा तब हमारी बॉडी को पता होगा कि इसके स्पाइक को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। और इस तरीके से ये पीफाइजर वैक्सीन काम करती है। और आइए बात करते हैं कि कितनी कारगर है पीफाइजर वैक्सीन। तो अब तक की बनी सभी वैक्सीन्स में सबसे ज़्यादा कारगर जो वैक्सीन है वो पीफाइजर वैक्सीन ही है। पीफाइजर वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 95% है, यानी कि इसका जो सक्सेस रेट है वो 95% है। और एक और जो खास बात है इसके अंदर वो ये है कि ये 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी दी जा सकती है। और पीफाइजर वैक्सीन जो है एक बार लगने के बाद हमें लगभग 6 महीने तक कोरोना वायरस से बचाती है। और अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन सवाल जो कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर उठते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में उठता है वो ये उठता है कि कौन सी वैक्सीन जो है आज के समय में सबसे बेस्ट है। तो इसका आंसर यही होगा कि अगर आज के हम इंडिया के हालात को देखें तो जो वैक्सीन आपको मिल जाए वो बेस्ट है। परंतु अगर हम नॉर्मली देखते हैं, एफिकेसी के ऊपर हम अगर देखें, तो सबसे जो ज़्यादा कारगर है वो पीफाइजर वैक्सीन है, पर पीफाइजर वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी। और बाद में भी कहा जा रहा है कि आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो यानी कि जो वैक्सीन आपको मिल जाए वो वैक्सीन बेस्ट है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको हाल ही में COVID-19 हुआ है तो क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो सवाल का जवाब है कि आपको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, पर आपको पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद कम से कम 14 दिन रुकना चाहिए, जो कि कुछ लोग बता रहे हैं कि कम से कम 1 से 1.5 महीने भी रुकना चाहिए, और उसके बाद आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि अगर आपको पहले से कोई और बीमारी है तो क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी है जैसे कि कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ या हाई बीपी हुआ, तो इन सब केसेस में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। पर अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिसमें कि आप इम्यूनो सप्रेसेंट खा रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिनसे कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक किया जा रहा है, या फिर आपने अभी हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए वैक्सीन लेने से पहले। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उस केस में भी आपको एक बार पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।